हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको रिजॉल्व द फॉलोइंग इन टू पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, राइट। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करेंगे। 12 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे, लाइक एक फॉर्मूला है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसी को मैं जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा और उसको फैक्टर में रिजॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब जो है ये मेरा फैक्टर बन गया। अब इसको वापस कॉपी किया मैंने, x माइनस 3 और x प्लस 3। नाउ लेट 12 अपॉन x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, a1 दिया एक वेरिएबल, x माइनस 3 a1 के साथ लिखा मैंने और प्लस एक के वेरिएबल a2, ये x प्लस 3 a2 के साथ लिखा, राइट। ये x माइनस 3 और x प्लस 3 को मैंने a1 और a2 के साथ लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो मैंने एज इट इज ऐसे उतार लिया, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका मैं लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, ये एक्स माइनस 3 भी आ जाएगा और ये एक्स प्लस 3 भी एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे a1 के साथ एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और a2 के साथ एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। एंड एलसीएम में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर जो एलसीएम का आता है, जैसे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, अब मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, एक्स माइनस 3 है तो एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर इधर मुझे सेम करना है तो एक्स प्लस 3 से, तो वही एक्स प्लस 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। सेम है यहाँ पे एक्स प्लस 3 है तो एलसीएम का एक्स माइनस 3 उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो वही एक्स माइनस 3 जो है वो ए टू के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब ये x माइनस 3 और x प्लस 3 डिवाइड हो रहे हैं, 12 के पास जाएंगे, तो 12 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 और ये डिवाइड से जो मल्टीप्लाई हो गया है x माइनस 3 और x प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां जो है रिमेनिंग a1 x प्लस 3 और प्लस a2 x माइनस 3। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना भूल गया आपको मैं, कि ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास के a1 अपॉन, ये जो इक्वेशन है ये मेरी इक्वेशन थी 1, राइट। ये क्वेश्चन थी 1, मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई करके बताया था, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब जो है रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है यहाँ पे, 12
इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस थ्री प्लस ए टू एक्स माइनस थ्री, राइट? क्लियर? ये मेरी इक्वेशन टू हो गई. क्या अब जो है वो वैल्यू सपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को. तो जैसे ये x माइनस थ्री है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि x माइनस थ्री है, तो ये थ्री माइनस थ्री है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा. यानी x की वैल्यू थ्री जो है पहले मैं पुट करूँगा. तो लेट सॉरी पुट x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू. कैसे? ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन, यानी इस x की जगह पे मैं थ्री पुट करूंगा, थ्री प्लस थ्री और प्लस ए टू थ्री माइनस थ्री. अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन सिक्स प्लस ए टू जीरो, राइट? ये पुट हो जाएगा. अब ये ए टू जीरो है तो ए टू था तो जीरो ही हो जाएगा मेरा. तो ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन सिक्स प्लस जीरो, तो ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन सिक्स. अब सिक्स जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ए वन के साथ, तो यहाँ के वो डिवाइड हो जाएगा. सिक्स वन दा सिक्स, सिक्स टू दा ट्वेल्व, तो ए वन क्या आ गया यहाँ पे, राइट? ये मेरा ए वन निकल गया. क्लियर? अब क्या निकालेंगे, ए टू. तो यहां पे आप देख रहे हैं x माइनस थ्री दूसरी है वैल्यू, x माइनस थ्री फ्रैक्शन के अंदर x प्लस थ्री है, ठीक है? तो इस x प्लस थ्री को जो है वो क्वेश्चन बनाता हूं, अगर मैं इक्वल टू जीरो, थ्री वहां जगह क्या हो जाएगा, माइनस. तो x की वैल्यू माइनस. नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री, पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इनटू इक्वेशन टू. वही इक्वेशन में पुट करूँ, मुझे टू है, यानी यहाँ पे एक्स की जगह पे ट्वेल्व इज इक्वल टू, यानी ये जो है मेरे पास ये इक्वेशन थी, इस एक्स की जगह पे जो है वो यहाँ पे माइनस थ्री पुट करूँगा, राइट? ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस ए टू माइनस थ्री माइनस थ्री, राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन सी माइनस थ्री जीरो और ए टू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, राइट? हो जाएगा ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा और ये ए टू माइनस सिक्स रह जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो ट्वेल्व इज इक्वल टू ए टू
माइनस सिक्स या मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सिक्स वन सिक्स, सिक्स टू द ट्वेल्व, माइनस सिक्स था तो ए टू क्या आ गया मेरे पास माइनस सिक्स। क्लियर है? अब जो मेरी मेन इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन में ये ए वन और ए टू, ये इक्वेशन वन थी, वो उतारेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए वन एंड ए टू इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन क्या थी मेरे पास 12 अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए वन ऑन एक्स माइनस थ्री ए टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। सिंपल जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, ए वन की वैल्यू आई थी सॉरी ये माइनस सिक्स टू है, माइनस टू है, ए वन की वैल्यू टू आई थी, और ए टू की वैल्यू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। सिंपल लिख दो लास्ट प्लस माइनस करके उसकी वैल्यू को आंसर फाइनल हो जाएगा मेरा 2 अपॉन x माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन x प्लस थ्री। ये मेरा हो गया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इस क्वेश्चन का 12 अपॉन x माइनस थ्री और 12 अपॉन x प्लस थ्री, राइट? ठीक है, मतलब ये जो मैंने फैक्टर बनाया था ये एक्चुअल था एक्स स्क्वायर माइनस नाइन था। तो मेजर जो सा क्वेश्चन था मेरा वो मेन वो ये था, उसको मैंने फैक्टर में किया तो उसका आंसर अब ये आया। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था मेरा। एक और लेते हैं, लाइक एक क्वेश्चन है मेरे पास 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, राइट? इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पहले फैक्टराइज करता हूँ इसको मैं। ये जो नीचे वाली टर्म है ये मिल्टन ब्रेक से फैक्टराइज होगी, मिल्टन ब्रेक की भी अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें देखिएगा किस तरह होता है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होगा,
थ्री का जब एलसीएम लेंगे हम तो थ्री वन ज़ा थ्री, अभी ये फैक्टर आया मेरे पास, इस फैक्टर के थ्रू मिड की टर्म को तोड़ूंगा, या एक माइनस थ्री प्लस वन ले लेता हूँ, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री को प्लस करेंगे वन से, ये मेरा फैक्टर आ जाएगा एक्स फोर एक्स माइनस फोर, दोनों का अगर पेयर बनाता हूँ मैं, यहाँ एक्स आ जाएगा कॉमन, एक्स माइनस थ्री और यहाँ वन आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, तो फैक्टराइज क्या हो गया, ये फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक दफ़ा एक्स माइनस थ्री लिख दूंगा और एक दफ़ा एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो लेट फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और प्लस ए टू अपॉन एक्स प्लस वन, राइट, ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन वन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैल्शियम ले लेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो यहाँ एक्स प्लस वन आ जाएगा और इस साइड पे एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, राइट। अभी x माइनस थ्री और x प्लस वन यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू फैक्ट पर यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और x प्लस वन, यहाँ बच जाएगा ए वन एक्स प्लस वन प्लस ए टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस वन प्लस ए टू एक्स माइनस, ये मेरी इक्वेशन टू बन जाएगी, राइट। अब वैल्यूज लेंगे, जैसे ये सबसे पहले वैल्यूज के अंदर एक्स माइनस थ्री है, तो अगर एक्स माइनस थ्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस थ्री। नाउ पुट x इज इक्वल टू थ्री इंटू इक्वेशन टू, राइट। अब पहले मैं जो है वो थ्री पुट करूंगा इक्वेशन में, फोर एक्स माइनस फोर, सॉरी थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू ए वन थ्री प्लस वन प्लस ए टू थ्री माइनस थ्री,
फोर, थ्री माइनस फोर माइनस वन, ए वन ये आ गया फोर और ए टू के साथ जीरो, तो प्लस माइनस माइनस फोर, फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर आ गया और ये हो जाएगा मेरा, ये तो जीरो हो जाएगा वैल्यू, तो ए वन फोर बच गया, फोर या मल्टीप्लाई इज इक्वल साइड में माइनस फोर से डिवाइड हो जाएगा तो ये ए वन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये ए वन की वैल्यू आ गई, ए वन इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या थी मेरे पास, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस वन था, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर लेता हूँ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वो इक्वेशन इनटू इक्वेशन टू, वैल्यू पुट करता हूँ मैं वो इक्वेशन टू के अंदर, फोर एक्स की जगह पे माइनस वन माइनस फोर, और जहाँ थ्री लिया था वहाँ माइनस वन ले लूँगा, माइनस वन प्लस वन और ए टू माइनस वन माइनस वन प्लस थ्री, यानी ये वाली इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू को पुट कर दी इक्वेशन टू के अंदर। सॉल्व करते हैं, फोर माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू ए वन जीरो प्लस ए टू माइनस फोर, राइट। तो माइनस फोर फाइव जो ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टू माइनस फोर, माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ए टू माइनस फोर, हमें माइनस फोर या मल्टीप्लाई हो रहा है ट्वेंटी के पास आके डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा ए टू, माइनस माइनस कैंसिल, फोर वन फोर फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, दैट मीन्स ए इज इक्वल ए टू इज इक्वल टू फाइव, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वन एंड ए टू इन इक्वेशन वन, वन कौन सी इक्वेशन थी, तो स्टार्ट में मैंने ये इक्वेशन बनाई थी ये वाली फोर एक्स माइनस फोर, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन वन थी, इस इक्वेशन को लेंगे इसको वैल्यू के इस इक्वेशन के अंदर जो है वो मैं पुट करूँगा एक्स ए टू और ए वन की वैल्यू, इस इक्वेशन को वापस उतारते हैं, फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस ए टू अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वन की जगह पे माइनस वन था। ठीक है,
वैल्यू आई थी और ए टू की जगह पे 5 वैल्यू आई थी, ठीक है। चाहे तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि पहले जो है वो आप 5 अपॉन x+1 लिख लें, और फिर जो आप -1 अपॉन x-3 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ये था मेरा 4x-4 upon x-3 और x+1 का पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। Till then, for the office.